जन्माष्टमी के भोग के लिए मैंने घर पर क्या क्या बनाया है आज आपको बहुत कुछ मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। ये देखिए मैंने कितनी सारी होममेड मिठाई बनाई है। ये देखिए सबसे पहले मैंने बनाई थी लौकी की लौंच। उसे बनाने के लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है और ये इतना सारा मावा है, ये भी होममेड मावा है और ये मेरी मदर इन लॉ ने घर से बनाकर भेजा था। और इस मावे में से मैंने बहुत सारी मिठाई बनाई है। ये देखिए सबसे पहले मैं बना रही हूँ लौकी की लौंच, तो उसके लिए मैंने 1 किलो लौकी ली है। तो इसे मैं अच्छी तरह से छील लूँगी, छीलने के बाद इसे कद्दूकस कर लेंगे। जब लौकी को कद्दूकस करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो हमारे यहाँ तो इसे कद्दूकस ही बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो अब मिठाई बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 सीटी आने के बाद हम इस लौकी को निकाल लेंगे और इसमें से जो पानी होता है लौकी का हम उसे नहीं निकालेंगे और इसी तरह से हम लौंच बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने लौकी को कढ़ाई में कर लिया है। अब कढ़ाई में करने के बाद जो इसका जो पानी है हम इसे सोख
में देंगे, क्योंकि जो लौकी का जो टेस्ट होता है इसी पानी के अंदर होता है। अगर हम इसे निकाल देंगे तो जो लौकी वाला टेस्ट होता है वो निकल जाता है। और इस तरह से गैस को स्लो ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे, और ये धीरे धीरे पानी फूक जाएगा। अब मैंने गैस को तेज़ कर दिया है, तो करीब जैसे मैंने 1 किलो लौकी ली है तो 1 किलो ही मुझे इसमें चीनी डालनी है। और मेरी जो चीनी है बिल्कुल फिक्स तुली हुई नहीं है, तो मैंने ये ना 1 किलो का डिब्बा ले रखा है, उसके अंदाजे से मैंने इसमें चीनी डाली है। ये देखिए चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, और जो चीनी की चाशनी बनी हुई है हम इसे अच्छी तरह से सोख लेंगे। सोखने के बाद ये एकदम ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें मावा ऐड कर देंगे। मैंने इसमें मावा ऐड कर दिया है, ऊपर से मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। देखिए मेरे जो लौकी की लौंज है वो बनकर तैयार हो चुकी है, और देखने में भी अच्छी लगती है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब हम बनाने वाले हैं मावे की कतली, तो ये मैंने चाशनी बना ली है और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स से ले लिए हैं, और मैंने मावा इसमें डाल लिया है। कतली मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, और ये मैं बना रही हूँ मावे के लड्डू। तो मावे के लड्डू बनाने के लिए मैंने करारा लिया है। करारा जो होता है वो ज़रा भूरे से मोटा होता है, हमारे यहाँ इसे करारा ही बोलते हैं। और इसे ना अच्छी तरह मावे में मिक्स कर लेते हैं, और फिर इसे करारे में ही थोड़ा सा लपेट लेते हैं, उसकी वजह से ना ये जो हमारे लड्डू होते हैं ड्राई रहते हैं, और जो मावा होता है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाता है, और ये देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू और लौंज और ये मावे की कतली बनकर रेडी हो चुकी हैं। और ये मैंने जन्माष्टमी पर भोग के लिए कान्हा जी के लिए बनाई थी, और देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं, और लड्डू तो बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, और मेरे बच्चों को भी ये काफ़ी अच्छे लगे थे। और ये लौकी की लौंज भी बहुत अच्छी लगती है, और ये जो हम मावे की कतली बनाते हैं ये भी बहुत टेस्टी लगती है।